हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3.25 मीटर फैब्रिक में फुल पटियाला सलवार की कटिंग। जी देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले हम अपने सलवार की पार्ट्स की कटिंग करेंगे। जी देखिए, इस तरह से जो फैब्रिक डबल फोल्ड है, अब सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए। जो हमारे पास टोटल लेंथ है सलवार की वो 34 इंच है। 34 इंच में हम 4 इंच बेल्ट कम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 30 इंच। 30 इंच में हम 1 इंच ऐड कर अपने सलवार की कटिंग करेंगे, यानी कि हम जहाँ पर कटिंग करेंगे अपने सलवार की वो 31 इंच की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हम 31 इंच का निशान लगाएंगे। तो जो पोंचा है हमारे पास सलवार का वो 6.5 इंच है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे और ऊपर से हमारा 8 इंच बचना चाहिए बेल्ट के लिए। तो हम जहाँ पर साढ़े इस तरह से 8 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, अब सेम इन निशानों के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। जी देखिए, इस तरह से सलवार के पार्ट्स की कटिंग करने के बाद अब हम इस फैब्रिक में से बेल्ट की कटिंग करेंगे। दोनों साइड 1/2 इंच छोड़ देंगे। सबसे पहले जहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ेंगे और 23 इंच हमारी बेल्ट तैयार है उसका निशान लगाएंगे और 1/2 इंच हम जहाँ पर छोड़कर इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। 4.5 इंच रखते हुए बाकी हम ऊपर नेफे में फोल्ड कर देंगे और 1/2 इंच हमारा प्लेट्स में जाएगा। इस तरह से जो हमारी 4 इंच बेल्ट तैयार रह जाएगी। अब हम अपने सलवार के कुंदों की कटिंग करेंगे। उसके लिए जो हमारा दूसरा फैब्रिक है जहाँ से जो हमने बचा हुआ है इसे डबल फोल्ड करेंगे। जी देखिए, इस तरह से अच्छे से इसे डबल फोल्ड करने के बाद और जहाँ से इसकी ओपन साइड है, जी देखिए इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड किया है। अब हम सबसे पहले जहाँ से लेंथ का निशान लगाएंगे 31 इंच, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम 2 इंच मुड़ी रखेंगे जहाँ से। और इसी तरह से हम दूसरी साइड इसके अपोजिट साइड निशान लगाएंगे 31 इंच का। इस तरह से निशान लगाने के बाद जहाँ पर हम 2 इंच पोंचा रखेंगे और इस निशान को दूसरे निशान के साथ अच्छे से इस तरह से मैच करते हुए निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब जहाँ पर हम अपने आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी निशान लगाएंगे ऐसे। अब निशानों के ऊपर सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। और जहाँ से जो हमारी जुड़ी हुई साइड है उसे भी हम कट कर कर अलग अलग करेंगे। जी देखिए, इस तरह से जी हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको हमारी ये कटिंग ईजी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आगे लाइक शेयर जरूर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको हमारी ये कटिंग कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।